दिस क्वेश्चन वेट फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन माइनस ऑफ 870 डिग्री प्लस कोसेक माइनस 660 डिग्री प्लस टेन ऑफ माइनस 5855 डिग्री प्लस टू कोट 840 डिग्री प्लस कोस ऑफ 480 डिग्री प्लस सेक 900 डिग्री इक्वल्स टू. सो दिस विल बिकम साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा थ्री वैल्यू का माइनस ऑफ 870 दिस इज 720 डिग्री प्लस 150 डिग्री और कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कोसेक ऑफ 660 डिग्री दिस इज इक्वल टू 7 दिस इज इक्वल टू. तो क्या हो जाएगा 720 माइनस 60 डिग्री ओके हो जाएगा 720 माइनस 60. अब टेन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा माइनस ऑफ टेन ऑफ 855 है, 855 को हम क्या लिखेंगे 720 और प्लस 135 प्लस टू कोट ऑफ 840 को हम क्या लिखेंगे 720 प्लस 120 डिग्री एंड प्लस कोस ऑफ 480 डिग्री को हम लिखेंगे 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री और प्लस सेक ऑफ 900 को 720 के टर्म्स में कैसे लेंगे 720 प्लस 180 डिग्री ओके. तो ये वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, सो माइनस ऑफ साइन 150 डिग्री दिस इज 180 माइनस 30 और साइन ऑफ 180 माइनस 30 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 की. यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी माइनस 1/2 क्योंकि माइनस लगा हुआ है. अब कोसेक ऑफ 720 माइनस 60 सो 720 माइनस 60 इज फोर्थ क्वार्टर में कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है नेगेटिव तो माइनस ऑफ होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोसेक ऑफ 60 और कोसेक ऑफ 60 क्या होता है हमारे पास 2/√3 माइनस टेन ऑफ 720 प्लस 720 प्लस मीन्स 2π प्लस थीटा क्या होता है टेन ऑफ सो टेन थीटा सो टेन ऑफ 135 और टेन ऑफ 135 का हम क्या लिखेंगे 180 माइनस 45 सो टेन ऑफ 180 माइनस 45 माइनस मीन्स माइनस माइनस प्लस 1045 डिग्री हो जाएगा हमारे पास और प्लस टू कोट ऑफ 120 डिग्री क्या लिखेंगे कोट 720 डिग्री प्लस 120 इज प्लस टू कोट 120 डिग्री और इसको हम क्या लिख देंगे प्लस कोस ऑफ 360 प्लस थीटा इज कोस थीटा तो आ जाएगा कोस 120 डिग्री और यहाँ से ये आ जाएगा सेक ऑफ 180 डिग्री. तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई दिस इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस 2/√3 और 1045 इज 1 प्लस कोट ऑफ 120 डिग्री को हम क्या लिखेंगे सो दिस इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 180 माइनस 60 इज दिस इज माइनस ऑफ कोट माइनस ऑफ 2 इंटू कोट 60 और कोट 60 की वैल्यू क्या हो जाती है दिस इज इक्वल्स टू 1/√3 और प्लस कोस 120 इज दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 और कोस सेक ऑफ 180 इज तो कोस ऑफ 180 माइनस 1 तो सेक माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस 1 तो वो हाफ से सॉरी ये हाफ से हाफ नहीं कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ मिस प्रिंटिंग है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दिस इज इक्वल्स टू प्लस 2/√3 से माइनस 2/√3 माइनस 1 से प्लस 1 तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई माइनस हाफ और माइनस हाफ मीन्स माइनस 1 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वल्स टू माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू माइनस 1 सो वैल्यू ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन इक्वल्स टू माइनस 1.